इस नए कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर। और जैसा कि आज जैसलमेर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने वर्चुअल उद्घाटन किया और आज राजस्थान में दो जगह पर कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, वहीं एक जगह बाड़मेर के अंदर भूमि पूजन का कार्य किया गया। और निश्चित रूप से आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय कहीं किसी होटल के अंदर जाकर हमें कार्यक्रम करने पड़ते थे या किसी धर्मशाला के अंदर हम कार्य करते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से और कार्यकर्ताओं के स्वयं के खर्चे से ये कार्यालय देश भर के अंदर बनाए गए और इसकी प्रस्तावना हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी और उसके बाद में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने इसकी शुरुआत की। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि पूरे देश भर के अंदर आज लगभग 500 से अधिक जिलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जिले के कार्यालय बने। और ये सिर्फ कार्यालय नहीं, ये कार्यकर्ताओं के निर्माण के लिए भी है और साथ ही यहाँ पर कार्यकर्ताओं की आत्मा भी निश्चित रूप से रहेगी, क्योंकि कार्यकर्ता के लिए एक ऐसा ये स्थान सिर्फ इस मिट्टी के या पत्थरों से बना हुआ भवन नहीं है, ये हमारे लिए एक मंदिर से कम नहीं है। और निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि आज ये पार्टी जिस तरह से विस्तार कर रही है, आज इसी का परिणाम है कि आज कार्यालय की दृष्टि से हो और चाहे कार्यकर्ताओं की दृष्टि से हो, तो आज विश्व की सबसे बड़ी अगर कोई लोकतांत्रिक पार्टी बनी है तो कार्यकर्ताओं की मेहनत और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी विचारधारा की वजह से आज विश्व की एक नंबर पार्टी है जो लोकतांत्रिक पार्टी है।